मेरे मामू, मेरे भाई, मेरे कजन, मेरे हमसायों का यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। सर चौधरी साहब, हमें पता है कि आपने कैसे लड़ाई लड़ी है, और आज की नहीं, पिछले हम 40 साल से आपकी लड़ाई देखते हैं। सर आप देखिए, यहाँ पर ये जो पसी निकलना है, मेरा मानना पर्सनली है, ये एक दिन का काम नहीं है सर। जी जी जी। रिवर बेड्स में मग इन्हें डाली, मिट्टियां डाली, ये दरगाह का इस तरफ से रुख ही बदल गया। ब्लास्टिंग, हाईवेज, रेलवेज, हाइडल प्रोजेक्ट्स, और इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ये कहते हैं नेचुरल क्लाइमेटी, बट मैं नहीं मानता, ये मैन मेड डिजास्टर है। यहाँ पर ये सरकार ने खुद किया है। और जब आप रोड भी आए सर, हालत देखिए, NH44 ने हमारा रोड क्या हालत खराब कर दी है सर। सर यहाँ पर पीड़ा के लोग अभी भी टेंट में, स्कूल में भी कोई कंपनसेशन नहीं मिला, ये ड्रामाबाजी के लिए, क्योंकि जब हम पहले पूछे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। 500 बाइटें मैंने दी, उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आई। मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे यहाँ मुलाजमीन है, वो काम करे, पर लड़ाई ये है कि ये लोग सर आज के बाद कहाँ जाएंगे। और मुझे पता है कि चौधरी लाल सिंह जी यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी लड़ाई लड़ेंगे, और इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है चौधरी साहब का। और सर हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सुबह जब बात हो रही थी चौधरी साहब कहाँ, रामन मेहता कम्युनिटी हॉल में, मैंने बोला नहीं, चौधरी साहब मेरे से भी तेज ऊपर चढ़ेंगे, और चढ़े भी सबके सामने। हमारी आपसे गुजारिश है सर, दो रिलीफ फिरोज भैया, जिसका आशियाना उजड़ जाता है वही जानता है कि बेहतर हालत क्या होती है उसके घर की, ये कोई बयां कर नहीं सकते। नहीं, इनकी हम सर दुख भरी आपको बात बता सकते हैं। गुजारिश यही है, जैसे आप शेरे डुग्गर हो, जैसे धाड़ते हो, आज भी धाड़ के इन लोगों को इंसाफ देगा। इसीलिए आपके सामने बात रखी मैं चौधरी, और किसी ने बोलना है? अब मैं चौधरी साहब से बस चौधरी गुजारिश करूंगा, हर खामोशी से हमारे साथ बोलेंगे, आप खुद बोलेंगे, आप बस बैठ कर ही बोलेंगे। इंतहाई दुख है, आपको क्या सुन। मैं परसों जब ये बात सुनी तो आपको पता है कि एक तो हमारा भी इलेक्शन हुआ है, उसकी जितने भी ईवीएम मशीन है जो हाल है वो सुनती हो पाते हैं क्या होता है, उसके लिए मैंने टीम्स बनाई। हम ये कहना चाहते हैं जी, ये जो नुकसान हुआ है ये तो दिल को दहलाने वाला नुकसान है। कोई घर ही नहीं बचा, घर का सामान नहीं बचा, और घर की कोई एक सुई से लेके वो जो भी सामान घर का वो वहां नहीं रहा। इसके लिए हमें बहुत दुख है, क्योंकि मैं यहां से इलेक्शन लड़ा है और 10 साल पहले भी एमपी रहा हूं। मैं इलाके की नेचर को भी जानता हूं, लोगों को भी जानता हूं, लोग कितने अमीर हैं, कितने इनके पास खुश है, मैं इनकी हालत को भी जानता हूं। तो हालत देखते हुए मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मेरी मसरूफियात इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, हालांकि वो भी पॉलिटिकली बड़ी जरूरी थी, कहीं संदूकड़ियों का सवाल था। हमने बेटर समझा कि इससे बेहतर होगा कि हम उसको देखते रहें, और जो लोग चाहे तरसते रहेंगे तो बुरा होगा, तो हम चल के वहां से आए पहुंचे। तो ऊपर आखिर तक जो एंड है, यहां तक आप मेरे साथ थे, आपने देखा है, आप खुद कह रहे थे सारे कि यहां कोई नहीं आया ऊपर तक, और नीचे से ही जो कुछ हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की है, और सेक्रेटरी से भी, प्रिंसिपल साहब सेक्रेटरी से भी बात करी है, अली साहब से, उनसे, और यहां भी डीसी साहब से बात करेंगे। हमारा मानना है कि इनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, और ये इमीडिएट इनको सेटल करना चाहिए। सवाल टेंट टूट देने वाला रिवाज खत्म करना चाहिए, ये लोग अपने मकान खड़ा कर सकते हैं, सरकार इनकी मदद करे, जमीन देके इनको दे दे, ये है जमीन है, मकान बना लो, उसके बाद कागजी पत्री जो बातें चलती रहती है चलती रहे। यहाँ एसीआर को, पटवारियों को, सबको जानकारी होती है कौन सी जमीन यहाँ, जितनी जमीन गई है 150-200 कनाल एक जमीन का टोटा यहाँ है कोई, वहां सारी फैमिली को तरीके से जिसकी जितनी जितनी जमीन है उसके मुताबिक उसको दी जाए, और वो लोग अपने मकान खड़े कर पाए, और इमीडिएट उनको 10-10 लाख रुपया दे दिया जाए, ताकि ये अपने मकान शिकान बनाए। और कई होंगे तो मकान 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे, और कई लोन लिया था, कर्जा लिया था, दुकानदार थे, कि दुकानदार एक दो जिसे लोन लेके दुकान खड़ी की,
तो कहने का मकसद है कि इतने बुरे हालात हो गए, अब उनको अपने आप को सेटल कहां कर पाए। रोजी रोटी का सामान तो खत्म हो गया, जमीन से जहां उनको फसल निकलती थी, फसल लगाई भी, मैंने देखा जवी वगैरह लगी हुई है, सब्जियां भी नई भी उन्होंने लगाई है जो जहां सेल करते हैं, काफी उनमें टमाटरों के देखे लगे हुए, टमाटर ये वो सब कुछ नए पौधे लगाए हुए तो। और यहां तक सवाल है, उनके पेड़ थे जो फ्रूट प्लांट थे, अनारदाना तो हुआ, लेकिन अखरोट है, साड़ियां हैं, बहुत से हैं, मैंने देखा सारा पेड़ है, सब कुछ है। कोई ऐसी जमीन ही ऐसी इलाका ऐसा है कि जहां हर चीज है, तो ये सारी चीजें रेस्टोर कैसे की जाए और कैसे इन लोगों को उसके बराबर द्वारा खड़ा किया जाए, ये क्वेश्चन है। और इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। इमीडिएट डीसी साहब ने काफी यहां जोर लगाया, मैंने देखा सुनने में आया, लेकिन अभी जो आउटपुट निकालना है वो उसकी जरूरत है। रोटी और खाना और दो पतीले चढ़ा के चावल दे के नहीं, इनको सेटल कैसे करना है, कैसे सेटल करना। और एक एक आदमी घर से बर्बाद हुए हैं, जमीन उनके पहले रही नहीं, उतनी जमीन अभी आपने दी नहीं, तो एक आदमी घर से एक छोटी छोटी नौकरी है, जहां कंपनियां हैं, जहां और काम है, 50 चीजें ये बच्चे सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, और इनको इमीडिएट एडजस्ट करना चाहिए। त्रासदियां आती हैं, लेकिन उसको सेटल करना सरकारों का काम है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इनको सेटल किया जाए, इनके रोजगार का इंतजाम किया जाए, और इनके पल्ले ना कोई कपड़ा रहा है सारे दब गए, ना इनके पल्ले को पतीला रहा है या बर्तन रहा है जिससे खाना भी बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें इनके लिए नया एरा शुरू हो गया, और एक गोल्डन एरा चला गया, अन्य एरा शुरू आ गया, जिसकी पल्ले कुछ नहीं है, ना राशन है, वो डूब चुका है, जो फसलें जो काट के रखी थी अंदर भरी थी अपने उनमें सारी खत्म हो गई है, जो दालें हैं, जो जितना सामान है किचन का वो सारा खत्म हो चुका है। तो इवन के जो गैस है, चूल्हे हैं, जो कुछ है सारा डैमेज है, एवरीथिंग हैज बीन डैमेज, तो खत्म है, और वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि मिट्टी आ गई उसके ऊपर, जब मकान दब गए हैं तो बाकी बात छोड़ दी क्या कह रहा है, और अभी भी चल रहा है खतरा, अभी भी खतरा है। मैं ऐसा चाहता हूं कि सरकार जितने इसके पास अड़ोस पड़ोस में मकान है सबको उनको वार्निंग दे के उनको किसी तरीके से सेटल कर ले, ऐसा ना हो जाए रात को फिर देर सवेर ये हादसा, फिर कोई बड़ा हादसा। अभी लोग बच गए, जब ये शुरू दिन में हो गया, अगर रात को होता तो शायद एक भी आदमी नहीं बचता, ये दिन को होने के कारण ये सारे बचे। अब ये लोग उसके साथ साथ जिसके टूट गए, जिसके मकान जुड़े हुए हैं, जैसे हम निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग उससे हम कहां जाएं, तो उनका इंतजाम सबका हो जाना चाहिए, और आए और ये नया और कोई ऐसा एपिसोड बने बुरा, कोई गलत बने, उसको बचाया जाए, मेरी ये समीशन है। ये तो डायरेक्टरी होम मिनिस्ट्री के अंडर है, ये तो सरकार की से डायरेक्टरी ड्यूटी बना के इसको बना दिया आपने, जब ड्यूटी बनाया है तो ड्यूटी का मकसद मतलब यही रहता है कि ये एक डायरेक्टरी सीधी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन कौन, हिंदुस्तान की टेरिटरी, उनकी एक टेरिटरी बन गई है, पहले स्टेट थी तो स्टेट के लोगों का था, अब डायरेक्टरी है। तो चाहता हूं कि डायरेक्टरी होने का उनको पता लगे कि वाकई आप डायरेक्टरी इन्वॉल्व भी हो, इनका मदद भी करते हो, या इनको ऐसे ही स्टेट से ड्यूटी बनाना था। तो ये मेरी बात है कि इसको थोड़ा सा ध्यान में लिया जाए, और या टीम सेंटर से भी आए और यहां से रिपोर्टिंग हो, इमीडिएट इनको फंडिंग दी जाए। फंडिंग रोकने में कोई वो नहीं है, यहां इलेक्शन हो चुका है, अभी कोई भी पार्टी इनको कुछ भी देगी तो उसको वोट नहीं मिलने, वोट डल चुके हैं, इसलिए ना किसी को ऐतराज है कोई पोलिटिकल पार्टी पे, इस यहां करेगा कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व हो, कि उसके दौरान जो हुआ है आपने कोड ऑफ कंडक्ट रखा है तो उसके तो भी देखा जाए उसे रियायत कैसे हो, कैसे उसको कंसेशनली, कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहेंगे कि आपके पास भी बड़े फंड्स हैं, इन दिनों आप कैसे इनकी मदद करवा सकते हो सरकार से या खुद से, तो इसकी मदद भी करवाई जाए, ताकि ये इलेक्शन का 4 जून तक ये कहां मरते रहेंगे सड़ते रहेंगे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी।